कोलेबीरा विधायक नमन मिक्सल कोन गाड़ी ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोलबा प्रखंड के पीड़िया पोंछ पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से मिले और उनके समस्याओं से अवगत होते हुए निदान करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने पीड़िया पोंछ पंचायत के नवा टोली गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनके समस्याओं से अवगत हुए। अब 60 साल के बूढ़ा वाला समय के हमें 10 साल घटाए दे ले, 50 साल कर दे ले। मोर उम्र कर जितना भी आहा सब के अब वृद्धा पेंशन भेटे महिला पुरुष दुयो के है ने। मोर उम्र के घर अगुआ मान और उकर माए बाप चाहिए होला है जिकर माए बाप जिनते आए हैं मोर उम्र के मान और पति पत्नी दुयो मिला के 4000 भेटे हर महीना एक एक जन चाहिए रोके। और उकर से तोहर जो गरीबी है वो कटी के दूर हो तोहर जरूरत कर सामान मान उकर से किने पारवा तोहर पैसा कर लेके समस्या कम हो। उकरो में नहीं होला खो लेखन हमें ये पोस्टर इतने देखो था नहीं हाँ मुख्यमंत्री सम्मान योजना ये हमारे हाथ साफ कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वाले के हो जितना भी मौज देखा तो 21 साल से ऊपर आ रही सो फॉर्म भरा जे जे मन थाई रहे कई रांची में पैसा बटाला सो कर खाता में। सांप के डसने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई जबकि चौथे की हालत गंभीर है। 3 बच्चों की मौत के बाद परिजन अंधविश्वास का सहारा ले रहे हैं और शव को लेकर तांत्रिक के पास गए हैं। यह घटना गढ़वा जिला के चीनिया थाना क्षेत्र की है। मृतक सभी बच्चे आदिम जनजाति के हैं। दरअसल चीनिया के इलाके में एक ही परिवार के 4 बच्चे जमीन पर सोए हुए थे, इसी क्रम में सांप ने सभी को डस लिया था। इस घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई जबकि चौथे बच्चे की हालत गंभीर हो गई थी। परिजन 3 बच्चों को लेकर तांत्रिक के पास गए और झाड़फूंक करवाने की कोशिश कर रहे। परिजनों को उम्मीद है कि झाड़फूंक करने के बाद 3 बच्चे जिंदा हो जाएंगे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि परिवार के लोग खरौंधी के इलाके में बच्चों को लेकर गए। सांप काटा घर भीतर घुस के अंदर में 3 लोग का काटा था तो एक लोग दूसरा गांव का था वो लगे मृत्यु हो गया। कब काटा था? 1 बजे लमसम काटा था फिर नहीं बतलाया था इन लोग रात्रि में फिर तब उसका बाद 2 बजा तो फिर सब पता चलने लगा उल्टा करने लगा। हम लोगों को जस्ट जानकारी मिली मोबाइल पर तो हमारे आदिम जनजाति समुदाय से बिलोंग करते हैं इसलिए हम स्वयं यहाँ पे आए हमने देखने के लिए। अभी डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत हो गई है, एस पी साहब से बात हुई है, थाना से पंचनामा की प्रक्रिया करने को प्लान जो है वो उसको पोस्टमार्टम के लिए बच्चों को ये किया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें जो सरकारी प्रावधान है वो उनके जो आश्रित होंगे यानी बच्चे के जो माता पिता होंगे उनको 4 लाख रुपये का मुआवजा करना होगा।